हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट कनिशा। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को नहीं खाना चाहिए पपीता, फायदे की जगह होगा नुकसान। जी हाँ दोस्तों, पपीते के कई फायदे हैं, लेकिन कई लोगों को पपीते का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके फायदे के चक्कर में उन्हें नुकसान हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि पपीता किन लोगों को नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, इससे पूर्व मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, पपीता सेहत के लिए बेहद ही लाभदायक माना जाता है, लेकिन डॉक्टर्स कई लोगों को पपीता खाने की सलाह नहीं देते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कुछ लोगों के लिए पपीता नुकसानदायक होता है। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि किन लोगों को पपीता का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, बता दें कि पपीता कई पोषक तत्वों जैसे फाइबर और विटामिन से भरा होता है। ऐसे में ये कई तरह की समस्या जैसे पाचन, वजन बढ़ाना, डायबिटीज, कैंसर जैसी बीमारी से बचाव कर सकता है। खास बात यह है कि ये फल आपको हर सीजन में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। ऐसे में यहाँ पर कुछ खास ख्याल रखना होता है, क्योंकि कई लोगों को पपीता खाने के लिए मना किया जाता है। तो दोस्तों, नंबर एक, हार्ट बीट अनियंत्रित होने पर पपीता से रखे परहेज। जी हाँ दोस्तों, हार्ट बीट अनियंत्रित होने पर पपीता का सेवन नहीं करना चाहिए। हालांकि कहा जाता है कि हृदय रोग के खतरे को कम करने में पपीता मददगार साबित हो सकता है। दरअसल इसमें साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड अमीनो एसिड होता है, जो पाचन तंत्र में हाइड्रोजन साइनाइड का उत्पादन कर सकता है। हालांकि ये सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं होता है, लेकिन अगर आपका हार्ट बीट अनियंत्रित है तो आपको नुकसान देगा। तो दोस्तों, अवश्य ध्यान रखें, इन लोगों के लिए पपीता नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, नंबर दो, प्रेग्नेंट महिला पपीता नहीं खाए। जी हाँ दोस्तों, सभी जानते हैं कि प्रेग्नेंट महिलाओं को पपीता नहीं खाना चाहिए। दरअसल पपीते में लेटेक्स होता है, जो गर्भाशय को संकुचन को ट्रिगर कर सकता है। ऐसे में प्रसव जल्दी होने की संभावना होती है। इसके अलावा पपीते में पेपेन होता है, जो हमारे शरीर प्रोस्टोग्लैंडिन समझने की गलती करता है। इससे भ्रूण की झिल्ली पर बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए गर्भावस्था में पपीता खाने से परहेज करना चाहिए। तो दोस्तों, ये चीज अवश्य ध्यान रखें। तो दोस्तों, नंबर तीन, किडनी में शिकायत होने पर पपीता ना खाएं। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको किडनी में पथरी की शिकायत है तो आपको पपीते से परहेज रखना होगा। दरअसल पपीता विटामिन सी से भरपूर होता है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। लेकिन अगर आपकी किडनी में पथरी की शिकायत है तो इसकी अधिकता आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। अधिक मात्रा में पपीते के सेवन से कैल्शियम ऑक्सेलेट पैदा हो सकता है, जिससे किडनी की पथरी बढ़ सकती है, जिसके बाद यूरिन के जरिए पथरी निकालना मुश्किल हो सकता है। तो दोस्तों, जिनको किडनी स्टोन यानी कि पथरी की संभावना है, तो उन्हें पपीता नहीं खाना चाहिए, इससे आपका किडनी स्टोन बढ़ सकता है। तो दोस्तों, ये चीज़ भी अवश्य ध्यान रखें। तो दोस्तों, नंबर तीन, एलर्जी होने पर पपीता से बनाए दूरी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार की एलर्जी से ग्रसित है तो जरा संभल जाइए, क्योंकि ऐसे मरीजों को भी पपीता का सेवन नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि पपीते के अंदर चिटिनेस नामक एंजाइम होता है, जो लेटेक्स पर क्रॉस रिएक्शन कर सकता है, जिसके चलते आपको सांस लेने में परेशानी, छींक और खांसी आना, आँखों में पानी आने जैसी समस्या हो सकती है। इसलिए अगर आपको पपीते से एलर्जी की परेशानी है तो इसका सेवन ना करें। तो दोस्तों, ये चीज़ अवश्य ध्यान रखें, यदि आपको एलर्जी की समस्या है तो पपीता ना खाएं, इससे आपको तकलीफ हो सकती है। तो दोस्तों, इस तरह कुछ बातें हैं पपीता के बारे में जिसे नहीं खाने चाहिए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।